नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को कारण बता देती हूँ वीडियो ना आने का। वीडियो ना आने का कारण ये है कि मेरा जो लैपटॉप है उसमें कुछ इशू आ रहा है, उसकी कुछ हार्ड डिस्क में या कैसे करके कुछ प्रॉब्लम आ रही है पिछले 2-3 दिन से। उसकी वजह से जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। आज ये मैंने दूसरे सिस्टम से वीडियो अपलोड की है, कर रही हूँ मैं, तब जाके आज आप लोगों के साथ में वीडियो ये शेयर कर पा रही हूँ। तो उसकी वजह से ही मैं वीडियो आप लोगों के साथ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि यहाँ आने के बाद उसमें कुछ दिक्कत हुई। तो पहले तो मैं चलाती रही, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत हो जाएगा, चल जाएगा, लेकिन लास्ट में जाके वो उसने बिल्कुल हाथ फैला दिए। तो अभी जाके उसको ठीक कराने के लिए भेजा हुआ है, उसके हार्ड डिस्क वगैरह। कितना टाइम लग जाएगा कह नहीं सकती। तो खैर चलिए, ये तो कारण था वीडियो ना आने का। अब बात कर लेते हैं कि घर में क्या क्या काम चल रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि घर में टूट फूट हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये टूट फूट आके मैंने नहीं कराई है, यहाँ पे सभी का पहले से ही था। और मैंने पहले भी ये चीज आप लोगों को बताई है कि कोशिश हम लोग पहले कर रहे थे मम्मी पापा जी या घर में कि हो जाए, लेकिन जिस टाइम मिस्त्री जी मिले या जिस टाइम काम का हुआ टाइम, तभी ही काम होना शुरू हुआ और तभी ही मैं आई थी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आके यहाँ पे काम बढ़ा दिया या कुछ भी। तो देखिए, खैर बोलते रहिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं अपनी भाभी की करा रही थी हेल्प। दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि मैं ही करती रहती हूँ, भाभी भी करती है, मम्मी भी करती है, पापा जी भी करते हैं और मैं भी करती हूँ। ना तो अकेली से भाभी से हो सकता था, ना अकेली से मुझसे हो सकता था, तो वो भी करती हैं और मैं भी करती हूँ, दोनों ही लग के करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, भाभी जो है वो लगा रही थी मशीन, और मैं कहा चलिए आप मशीन लगा लो, इधर मैं कर लूंगी अपना जो साफ सफाई सी का काम है, क्योंकि दोनों एक ही काम को लगे रहेंगे वो भी नहीं होगा। तो इसी वजह से तो मैं तो वही, देखिए ये नहीं होता कि मैं ये दिखा रही कि भाभी नहीं कर रहे, देखिए दोनों ही कर रहे हैं तभी जाके हो रहा है, क्योंकि दिन भी छोटे होते हैं, दोनों मिलके करेंगे तभी जाके चीजें काबू में आएंगी। और मम्मी भी बराबर हेल्प करती है, ऐसा नहीं है कि मैं या भाभी कर रहे हैं, मम्मी भी पूरा पूरा करती है। तो देखिए जो है इसी तरीके से काम होते हैं, और मतलब एक दूसरे के सपोर्ट से ही होती हैं चीजें। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बैठी रहूं या भाभी करेंगी या भाभी बैठेंगी मैं करूंगी, कुछ नहीं। तो दोनों तीनों की ही एक दूसरे के साथ समझदारी या साझेदारी के साथ ही परिवार जो है वो काम होते हैं। तो खैर देखिए, यहाँ पे मैं अपनी साफ सफाई कर रही, भाभी मशीन लगाने ही लग रही है और मिस्त्री जी जो है वो अपना काम कर रहे हैं। और ठंड के प्रकोप तो खैर आपको बताया ही है, इतनी ठंड में भी हम अपने घर के काम को कैसे लेके चल रहे हैं, ये तीनों को ही हमें पता है कि हमें कहां से कैसे कैसे करना है, तभी जाके ये काम सारे हो पा रहे हैं इतनी ठंड अगर के आप भी 2 मिनट बीच। में 3,000 तक अर्न करना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मुझे पता है कि आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। जितनी देर में एक मैगी बनती है यानी 2 मिनट में, उतनी देर में आप 3,000 तक अर्न कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है चलिए मैं बताती हूँ। देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कॉमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया होगा जिसपे आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और रजिस्टर करने के बाद आपका बिल्कुल एक गेमिंग इंटरफेस खुल जाएगा, बिल्कुल मेरी तरह, जिसमें लॉग इन करने के साथ ही आपको मिलेंगे 1500 कॉइन, वो भी बिल्कुल फ्री, और ये भी कम पड़ रहा था। तो दोस्तों, लेफ्ट कॉर्नर में ना एक बटन है जिसे हम कहते हैं रेफर एंड अर्न, जिसे आप क्लिक करते हैं तो फ्री कैश वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको देखने को मिलता है कि सिर्फ एक रेफर पर आपको मिले हैं 130 का बोनस। और सोचिए, अगर आपने इसे 10 लोगों को भी रेफर कर दिया तो आपको मिलेंगे 1300 कॉइन्स। तो दोस्तों, अब आप खुद ही टोटल कर लीजिए कि रजिस्टर करने के बाद आपको मिले थे 1500 कॉइन्स और रेफर करने के बाद आपको मिले हैं 1300 कॉइन, जो कि लगभग हो जाते हैं 2800 यानी कि 3000 कॉइन्स के लगभग। तो दोस्तों, मैं तो आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगी कि आप जल्दी से जाओ और ऐप को डाउनलोड करो, और भूल से भी मिस मत करना। अगर आप डाउनलोड नहीं करते तो ये आपकी गलती होने वाली है, और मुझे भी पता है कि शायद आपको मेरी बात पर यकीन ना हो, लेकिन कल जब मैंने इस ऐप को डाउनलोड किया और उसको, मतलब आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैंने इस ऐप को 20 से भी ज्यादा लोगों को रेफर किया, जिससे लगभग मैंने अर्न किए हैं 2600 कॉइन। तो भाई, अब आप खुद ही सोच लो कि इसमें कितना बड़ा प्रॉफिट है। तो दोस्तों, मैं तो चलिए अपना अमाउंट डबल करने, और अगर आपको भी अर्न करना है तो जाओ ऐप को डाउनलोड कर लो। तो जी, टाइम बच गए 3 और अब कपड़े धोए गए। बस यहाँ पर पानी डालना क्या भाभी बाहर को? सूखने का नहीं, वाइपर से भी नहीं होने। तो बस फिर से तो नहीं रहना, सवेरे ही तो धोया ही जा, ओस पड़ के सारा सूख जा। और यहाँ पे इन्होंने नीचे की साइड, अच्छा यहाँ नीचे भी हो रहा था, ये तो देखा ही नहीं हमने, यहाँ नीचे की साइड भी हो रहा और छत पे भी जगह जगह। इनकी भी गलती नहीं बेचारे मकानों की, हमारे पैदा हुए जब हम तब के बन रहे हैं ये मकान, इतनी गारंटी हो और क्या, बेचारे सारे लाइफ इंश्योरेंस करवा के थोड़ा ही आए रहे। दरार दरारे आनी शुरू हो जा। हमारे गांव में बनवाए ना, हमारे गांव में बन रहे जो,
उनमें दरारें आ रही और इसीलिए उन पर अभी तक हमने कलर वगैरह नहीं करवाया। मैंने कहा चल जितनी आनी है एक ही बार आ जाओ। कोई बात नहीं भाई, आज का कहीं ऑर्डर होगा मकान बनाने का तो बता देंगे तुझे, जाके बना लियो। सब अपनी तरफ तक पूरी गारंटी दे। ये सीमेंट नहीं बढ़िया था, तुमने सीमेंट नहीं बढ़िया मंगवाया, ये रेता नहीं बढ़िया था, और ये और वो। कोई नहीं भाई, आपका काम करवा देंगे तो तुम ही बता देंगे। तो उनका क्या मतलब है भाई? अच्छा, तो मैं छांट रखा उन्होंने। अच्छा चलो फिर तो कोई बात नहीं, आगे फ्यूचर में कुछ भी होगा तो तुम ही संपर्क करा जाएगा। तो अभी जा रहे मैं और भाभी छत पे सूखने के, तो ये कपड़े है नहीं क्योंकि कोहरा अभी तक नहीं उतरा, हवा चल रही पर हवा ने कर रखा शीत, वो शीत लहर ही आया भाभी, शीत लहर ये है, शीत लहर मतलब हवा चल रही बहुत। तो ये रख देंगे ऊपर, और जो ऊपर वाले ने उतार के या तो नीचे ले आवेंगे, अगर थोड़ा सा बहुत लगा उनका कि कुछ है तो फिर उन्हें भी अंदर ही रखे आएंगे और फिर चाय पियेंगे आके। ऊपर हवा ज्यादा लग जाएगी, नो कह रही भाभी सुबह गई, कह रही मेरा मुंह ठंडा हो गया हवा लग लग के ऊपर। हाँ यही नीचे ही लग रही है, यहाँ पे छावा करवा लो रे मम्मी, और तो सारी चीज है, ये छावा जरूर करवा लो। ये देख क्यों तो क्यों ये अपनी 28 ही दिखा रहा, 32 ही तो तेरी आई नहीं, 18 ही दांत है तेरे, नो ऊपर नो नीचे। चलिए जी चलते हैं ऊपर। तो जी देखिए बस यहाँ पे ऊपर से कपड़े वगैरह फैलाने के बाद आ गई थी मैं नीचे, मम्मी कहने लगी कि लाओ मैं बाल बना दूँ तुम्हारे, और होता भी है देखिए हम कितने भी बड़े हो जाएं अपने माँ बाप के सामने तो छोटे ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी मम्मी के साथ बैठी हूँ, भाभी गई थी चाय बनाने के लिए और मेरे बाल ना फिलहाल बहुत झड़ सी गए हैं पता नहीं किस वजह से, तो मम्मी भी कह रहे थे कि बहुत बाल उतर रहे, तो पता नहीं किस वजह से उतर रहे क्या है क्या नहीं, और सर मतलब उतरते तो देखिए हैं ही थोड़े बहुत। तो यहाँ पे मैं उन्हें खुद ही सुलझाने लगी, मैंने कहा मैं सुलझा देती हूँ उसके बाद फिर मम्मी छुट्टी कर देंगी। तो बस देखिए जी यहाँ पे भाभी जो है वो भी बहुत केयर करती है, मम्मी जो है वो भी बहुत केयर करती है, बच्चे भी हैं और बच्चों को भी ठंड से बचा के रखते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चों को, लेकिन बच्चों को बिठाना उतना ही मुश्किल है, पर फिर भी पूरे कपड़े उनको पहना के जूते जुराब कैप वगैरह दो दो तीन तीन जैकेट डाल के या कपड़े डाल के तब जाके बच्चों को हम छोड़ते हैं। और फिर भी देखिए जो होना होता है वो तो हो ही जाता है चाहे हम जितना भी कर लें, और ऐसा भी नहीं है कि मैं यहाँ पे आके लगातार काम ही कर रही हूँ, मैं अपना बीच में रुक के रेस्ट भी करती हूँ। ये जरूर है कि भाई हम वीडियो में काम ही दिखाते हैं, रुक के बीच का रेस्ट नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये जरूर है कि वो होता है। तो देखिए बस यहाँ पे हम तीनों बैठ के पीने लगे हैं चाय, और सच में एक दूसरे के साथ ये टाइम कैसे निकल जा रहा ना कुछ पता नहीं चल रहा, हंसी मजाक के साथ और बातों के बीच ये टाइम बहुत ही अच्छा गुजर रहा है। देखिए चाय वगैरह हमने पी ली और ये वाला रूम भी वे करके चले गए हैं बिल्कुल ठीक था, और अब आएंगे वो कल को और देखते हैं कल को कौन सा रूम खाली करना। और हमें ये था, मैंने कहा अगर साथ के साथ कलर वाले आ जाते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन अभी क्योंकि ये नीचे गिल्ला है तो कलर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले इनके ऊपर करनी पड़ेगी पुट्टी, तो जब तक पुट्टी नहीं होगी तो कलर भी नहीं होनेगा। और पापा जी बल्कि कह रहे थे कि जो लकड़ी वाले मिस्त्री हैं उनको भी बुला लेंगे साथ ही साथ बिजली वालों को भी, क्योंकि जो काम लगे लगे हो जाए वो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो दो दो बार करना पड़ता है। तो खैर देखते हैं, अभी तो ये भी रह रहा बाहर का भी ना, चलो जी देखते हैं। अभी तो मम्मी फिर अभी 4:30 हो रहे, 5:30 बजे जाएगी दूध निकालने मम्मी। खाने में क्या बना रहे? मुझे नहीं पता खाने में क्या बना। दाल रोटी, काली दाल रोटी। काली दाल रोटी, रात भी काली दाल ही थी, रात चटी हुई थी। चलिए जी अभी भाभी अपना थोड़ा सा काम कर रही, शायद वीडियो वगैरह एडिट कर रही कुछ, तो फिर उसके बाद देखते हैं खाना वगैरह का क्या करना क्या नहीं ऐसी ठंड में। तो बस और देख लो आज ना धूप नहीं निकली, कल भी धूप निकल गई थी थोड़ी सी 5-10 मिनट को, और परसों भी आज धूंध नहीं निकली और सुबह की उतरी नहीं और दोबारा आनी शुरू हो गई। देखो उधर वाला जो टावर है ना, पता नहीं, हाँ वो जो टावर है उधर उस वाली साइड, वहां से पता लग रहा कि धुंध अब फिर आने लग रही, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वो साफ दिख रहा था, तो धुंध ज्यादा दुखी कर रही, पता नहीं सुबह को भी निकला का सूरज नहीं ढंग तो लग नहीं रहा। देखते हैं जी, ये तो भगवान के हाथ की बात है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते जी। अब हो गया है रात का टाइम, 8:15 बज गए, और मैं शाम को चली गई थी, मतलब जब मम्मी दूध निकाल के आ गए थे तो उसके बाद 6 बजे के करीब गई थी मम्मी मैं उधर,
तो 6 बजे के करीब मैं चाची के यहाँ पे चली गई थी, क्योंकि उस टाइम इतना कुछ काम नहीं था, भाभी खाना बना रहे थे और दूध वगैरह का हो गया था। तो मैं कहा चलो मैं थोड़ी देर मिलाती हूँ, तो 1-1.5 घंटा मेरा लग गया वहाँ पे। भैया जब बैठ जाते हैं तो फिर बातें होती रहती हैं। और अब हो गए हैं बिस्तरे हमारे सबके तैयार हो गए हैं इधर भी और इधर। मम्मी जो है वो पी रही है खीस, उधर शिवाय भी पी रहा, और ये हमारे वाले दोनों तीनों पीते नहीं है। ये जो मतलब गायें ब्याती है ना, तो जो दूध स्टार्टिंग का होता है वो 5-6 दिनों का, तो उससे ना दूध फट जाता है, मीठा डालते हैं या बिना मीठा डाले भी फटता है वो, तो उसको हम लोग तो पीते हैं, अच्छा लगता है। ये नहीं पीते दोनों तीनों बहन भाई ना, इनके डैडी पीते। तो खैर जी बस अब कोहरा रात के टाइम में बहुत ज्यादा आ गया, शाम भी मैंने आपको दिखाया था, मैंने कहा कोहरा आने लग रहा है, और इस टाइम बहुत ज्यादा कोहरा हो रहा है। ऐसा हो रहा कि यहाँ हमारे घर के जो सामने है ना वो भी नहीं दिख रहा घर किसका है, इतना कोहरा आ गया। और सुबह पता नहीं क्या होगा, और कल को भी मिस्त्री जी आएंगे तो वो भी अपना करेंगे काम, देखते हैं सुबह को कौन सा रूम खाली करना। 3 रूम हो गए अभी, उधर भाभी वाला खाली होगा या तो, या फिर कौन सा होगा अभी कह नहीं सकते, लेकिन जो भी होगा देखी जाएगी। तो चलिए जी बस फिर सुबह का देखते हैं, सुबह को अब लेटते हैं सारे, क्योंकि सारा दिन कोई भी नहीं लेटता, ना भाभी ना मम्मी ना मैं ना बच्चे, कोई नहीं लेटता सारा दिन, क्योंकि काम में ही फुर्सत नहीं मिलती किसी को, बच्चे भी अपना खेलते रहते हैं। और अब लेट के सारे हैं सो जाएंगे, हम भी लेटेंगे, फिर सुबह ही अपनी नई एनर्जी के साथ करेंगे सुबह का काम शुरू। तो जी सुबह का टाइम हो रहा, टाइम 10 बज गए, और ठंड वही है अपना रोज का रूटीन। ये तो खैर कोई नई अपडेट है नहीं यहाँ की, क्योंकि ये तो जनवरी का, मुझे लगे मकर संक्रांति तक तो यूं ही रहेगा। 14 तारीख की संक्रांति है, उस दिन नहीं निकला कर सूरज सा थोड़ा बहुत जो निकला उस दिन भी नहीं। हाँ रात भी तो बहुत कोहरा था, रात तो बिल्कुल ऐसा, ये जो सामने वाला घर है ना जी हमारे, ये भी नहीं दिख रहा था, इतना कोहरा था रात तो बहुत ही ज्यादा। पता नहीं इतना या तो मुझे लगे बारिश से नहीं धुलने का, इतना नहीं हो हटने का। और जी यहाँ पे भाभी बनाने लगी है खाना, आलू गोभी बना रही भाभी, चूल्हे पे ही तड़का लगा रही, और खाने के साथ साथ हाथ भी सीख जाए अपने, दोनों काम हो जा। और आज किसे चूल्हे के पास पे, हाँ फिर ज्यादा ठंड लगे। और जी आज जो मिस्त्री जी है वो अभी तो लग रहे हैं नीचे, नीचे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमें वो वाला कमरा खाली करना है भाभी वाला, और वो करवाएगा शेखर, क्योंकि वहाँ पर टीवी से भी लग रहे हैं, तो वो उतरवाने का तो वो ही देखेगा, हमारे पास तो उतरते नहीं, जो हमारे पास खिसकाने सरकाने का वो तो हम सरका दें। हाँ तो वो टीवी वगैरह उतारने वहाँ से वो शेखर उतरवाएगा, और अभी वे नीचे लग रहे तोड़ फोड़ करने के लिए। चलो मैं आपको जाके एक बार नीचे दिखा दूँ कि उन्होंने क्या क्या आतंक मचा रखा नीचे। मैं आई हूँ नीचे, और यहाँ पे इधर वाली दरारे तोड़ने में लग रहे हैं, तोड़ के फिर, और यहाँ पे इस वाले रूम की तो छत ज्यादा ही खतरनाक वाले मोड़ में थी, तो करेंगे इन्हें पापा जी शायद बाहर जा रहे, और करेंगे अभी यहाँ पे भी सारा जो है लग ही रहे सारे में, कोई करना दे थोड़ा थोड़ा सा, तो जो क्योंकि जब कोई काम जोड़े है तो वो फिर सारा ही करना, ये तो है नहीं कि थोड़ा सा अब कर दिया थोड़ा सा बाद में कर दिया, और इसके बाद ही फिर कलर होएगा, पहले जाओ जो भी जितनी भी टूट फूट है ना वो सारी होगी, फिर उसके बाद कलर होगा। तो मैं पहले पापा जी को देख लूँ, क्योंकि वो कह रहे कि उन्हें सीमेंट वगैरह मंगवाना कुछ, तो पापा जी को बोल लूँगी तो वो मंगवाएंगे, तो मैं देखती हूँ पापा जी को।